अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पीछे क्या आप लोग दोस्तों है, ये HP का कंप्यूटर इसका मॉडल नंबर है 6200 HP कॉम्पैक्ट 6200। इसमें प्रॉब्लम ये है कि रेड लाइट शो कर रहा है, इसको ऑन करके चेक कर दें। आप इसका साउंड चेक कर सकते हैं, इसमें याद रखिएगा कि जब भी चार दफ़ा साउंड करे रेड लाइट के साथ तो इसके बोर्ड में मसला होता है। बोर्ड में इस तरह मसला होता है कि कोई चीज़ चार्ज वगैरह हो जाती है तो इस तरह चार दफ़ा साउंड करता है, और अगर पांच दफ़ा साउंड करे तो फिर रैम का मसला होता है। तो अभी इसको चेक कर देंगे इसमें क्या चीज़ चार्ज हो गई है। इसके मदरबोर्ड में पहले भी काम हो चुका है, पार्ट्स वगैरह देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से IC शॉर्ट हुई थी वो निकली हुई है। ये चार दफ़ा बीप कर रहा है तो इसको चेक करेंगे क्या मसला है। इसकी तारे वारे निकाल देंगे, ये आप देख सकते हैं किसी HP में इस तरह का लगा होता है, ये शॉर्ट हो जाता है तो उस दौरान भी इस तरह मसला करता है। उसको भी चेक करेंगे, अगर ये शॉर्ट हो गया है तो उस वजह से भी ये मसला दिखाता है। तो ये एक्स्ट्रा जो तार है फिलहाल उसको निकालेंगे, तो दूसरी पावर की में लगा दे लो। इसकी तारे हार्ड डिस्क की निकली है, निकाल दी, और ये भी फिलहाल तार निकालता हूँ, और ये भी तार निकाल दी मैंने, ये भी निकाल दी, ये भी निकाल दी। फिलहाल दूसरा ऐसा कोई बोर्ड में मसला शो हो रहा नहीं है कि कोई IC वगैरह चल गई हो या शॉर्ट हो गई हो। तो पहले तो ये इसको निकाल के, और इस तरह की होती है इसको भी निकाल के, चेक करेंगे कंप्यूटर, इसकी भी फिलहाल वायर निकाल के चेक करेंगे, और फिलहाल रैम भी निकाल दें। पावर गिरा के कनेक्शन कर दें, लगा के देखें, आप ये देख सकते हैं अभी पांच दफा साउंड कर रहा है। इसका मतलब ये कि बोर्ड में जो छाटे थी वो ख़त्म हो चुकी है, और अभी जो साउंड कर रहा है वो रैम की वजह से कर रहा है। तो देखेंगे छाटे किसकी वजह से था, ये
पहले तो ये कनेक्ट करके देखते हैं। कनेक्ट कर दिया, अब चेक करते हैं। ये यानी ओके, इसमें भी 5 दफ़ा साउंड कर रहे हैं। तो ये जो डिस्कनेक्ट किया था इसको लगा के चेक करते हैं कि कहीं ये तो शॉर्ट नहीं हो गया। इसके शॉर्ट होने की वजह से भी कंप्यूटर इस तरह 4 दफ़ा साउंड देता है। तो अभी चला के देखते हैं। आप देख सकते हैं अभी 4 दफ़ा साउंड दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका ये जो है ना, ये शार्ट हो गया है, जिसकी वजह से मसला बता रहा है। अभी इसको निकाल के देखेंगे। रेम लगा के देखते हैं। ये कनेक्शन वगैरह लगा दें। देख सकते हैं आप, पीसी ऑन हो चुका है। डिस्प्ले भी आपको दिखा दें। आप देख सकते हैं बीजे का कनेक्शन यहाँ से जा रहा है इस कंप्यूटर का। अभी सामने जो एलसीडी लगी हुई है उसमें, और ये सीपीयू जिसमें मसला था, इसमें जो शॉर्टेज थी वो ये वाली वायर। इसकी वजह से 4 दफ़ा साउंड दे रहा है। तो आपके साथ भी अगर इस तरह का मसला आ जाए, पहले तो आप चेक करेंगे साउंड कितनी दफ़ा दे रहा है, बीप कितनी दफ़ा दे रहा है। 4 दफ़ा दे रहा है। तो अगर इस तरह की चीज़ आपके साथ कंप्यूटर में लगी हुई है तो उसको डिस्कनेक्ट करके देखें। और फिर भी अगर ना हो तो कोई पास वगैरह शार्ट हो गया होगा, जिसकी वजह से इस तरह साउंड दे रहा है। अगर 4 दफ़ा हो तो कोई पास वगैरह शार्ट हो जाता है, उसकी वजह से इस तरह करता है। अगर 5 दफ़ा साउंड हो, बीप हो, तो रेम से रैम ख़राब होगी या रैम करेक्ट सही तरह नहीं होगी, तो वो रैम चेक करेंगे, दूसरी लगा के देखेंगे।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।